भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हर युग में जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आते रहेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में कली असुर का प्रकोप इतना होगा कि मनुष्य राक्षस के प्रवृत्ति के बन जाएंगे, जमीन पूरी तरह सूख जाएगी, आसमान से तेजाब की बारिश होगी और पशु पक्षी पूरी तरह से नाश हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगी और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवान विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्गाविष्यति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके 3 बड़े भाई होंगे जिनका नाम सुमंत, प्रज्ञा और कवि होगा। भगवान श्री कल्कि जी के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाह, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी पद्मा होगा। उनके गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। वे इस अवतार में देवदत्त नामक एक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करके सत्य युग का प्रारंभ करेंगे। जयपुर के संस्थापक राजा जय सिंह ने 1739 में भगवान कल्कि जी के मंदिर का निर्माण किया था और इस मंदिर में देवदत्त की एक प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पीछे के पैर में एक चोट का निशान है जो समय के चलते धीरे धीरे भर रहा है, और जिस दिन यह चोट पूरी तरह भर जाएगा उस दिन माना जाता है कि भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतारित होंगे।